अमेठी में डबल मर्डर, चाचा भतीजों को गोलियों से भूना। बाइक सवार चार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। खूनी वारदात को अंजाम देकर फरार हुए बदमाश। पुलिस खाली हाथ अमेठी में मचा कोहराम। प्रधान के पुत्र और पौत्र की हत्या से सनसनी। यही वो चाचा भतीजे हैं जिन्हें बाइक सवार बदमाशों ने गोलियों से भून दिया और बड़ी आसानी से फरार हो गए। डबल मर्डर की खूनी वारदात से उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद में कोहराम मचा हुआ है। देखिए, शाम को आज 9 बजे थाना मुशाफिर थाना पुलिस का एक गोली चलने का सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंच के पता किए थे। उसके द्वारा पता चला है कि बतौर गांव का 2 लोग का गोली लग गई थी। दादरा गांव में ये घटना हुआ था। इसमें दोनों को तुरंत पुलिस ने अस्पताल भिजवाए थे, लेकिन वहां डॉक्टर के द्वारा इन दोनों का मृत घोषित किया गया है। अभी परिवार के द्वारा शरीर प्राप्त किया है, अभी प्राप्त करके इसमें अभी FIR दर्ज किया जा रहा है। बाकी बॉडी का पोस्टमार्टम के लिए आगे भेजा जा रहा है, उसके बाद विधि कार्रवाई की जाएगी। कितने लोगों पर हत्या का आरोप है? अभी परिवार ने भी शरीर प्राप्त किया है, इसमें 5-6 लोगों का नामजद किया है। इसमें FIR करके आगे की विधि कार्रवाई। किस तरीके का प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है कि क्या वजह हत्या का, मोटिव कुछ निकल कर आया है? अभी तक परिवार और बाकी लोगों का कहना है ये पुराना चुनाव रंजिश के लेकर ये घटना हुआ है। जैसा कि SP अमेठी एला मारन बता रहे हैं, डबल मर्डर की वजह चुनावी रंजिश है। बाइक सवार बदमाशों ने मुसाफिर खाना कोतवाली इलाके के दादरा गांव में वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित परिवार ने डबल मर्डर में 5-6 लोगों को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज कराया। दरअसल मुसाफिर खाना कोतवाली इलाके के भद्दौर गाँव निवासी सुरेश यादव अपने भतीजे ब्रजेश यादव के साथ जीप से घर जा रहे थे। सुरेश यादव की माँ सरस्वती भद्दौर गाँव की प्रधान है। सुरेश यादव मुसाफिर खाना तहसील में आमीन के पद पर तैनात थे। उनका भतीजा प्रधानी का काम देखता था। इलाके में यादव परिवार का अच्छा रसूख भी था, लेकिन 27 फरवरी की रात करीब 9 बजे बाइक सवार चार बदमाशों ने घेराबंदी कर चाचा भतीजों को गोलियों से भून डाला। खूनी वारदात से जहां कोहराम मचा है, वहीं फरार हमलावरों को लेकर पुलिस के हाथ खाली हैं। फिलहाल SP अमेठी ने हत्यारों की धरपकड़ के लिए कई पुलिस टीमें गठित कर दी है, जो ताबड़तोड़ छापेमारी में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, NTTV भारत। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।